बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज नसीब खान फ्रॉम स्टार क्लब। और दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन से अपने पीसी या फिर लैपटॉप को फुली कंट्रोल कर सकते हैं। या दोस्तों, ऐसी वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी जिनमें ये बताया जाता है कि आप अपने स्मार्टफोन को कैसे पीसी या फिर लैपटॉप में मिरर कर सकते हैं या फिर राउट कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस को दो तीन मैं ही बना चुका हूँ, जिनका आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने स्मार्टफोन से कंप्लीटली कंट्रोल करना अपने पीसी को, भले ही वो आपसे फासले पर ही क्यों ना हो। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ये काम होगा कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने आना है गूगल पे। गूगल पे आके आपने सर्च क्या करना है, मिरर ओपी। ठीक है, मिरर ओपी एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप जैसे यहाँ से इंटर करेंगे, यहाँ पे आपको जो पहले नंबर पे ऑप्शन आएगा, ठीक है, मिरर ओपी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ पेज मिलेगा। इस पेज का जो है डायरेक्टली लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप सिंपली वहाँ से भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्दर ये यहाँ इस प्रोसेस से गुजर के आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी इससे भी आ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, उस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंडर सॉफ्टवेयर के नीचे विंडोज, मैक, एंड्रॉइड नजर आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज पे आपने क्लिक कर देना है। विंडोज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, सिंपली आपने इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। हो सकता है मिले, यानी कि इनक्रिप्ट करना पड़े, आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़े। ठीक है, इनक्रिप्टेड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको सिंपल सेटअप मिल जाए। अगर आपको सिंपल सेटअप मिलता है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, अगर नहीं तो आप उसे पहले कर लीजिए, यानी कि एक्सट्रैक्ट कीजिए और फिर उसके बाद आप उसे इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद आपको इस तरह का कुछ आइकन बन के नजर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च क्या करना है, मिरर ओपी रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे पहले नंबर पे जो ऑप्शन नजर आ रहा है 3.7 की रेटिंग वाला, 100,000 डाउनलोड्स और मिरर ओपी रिसीवर, आप इसका लोगो वगैरह देख लीजिए, इस तरह की एप्लीकेशन होगी, आपने सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, इससे मैं थोड़ा यहाँ से इस साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपने इसको रन करना है। ठीक है, इस प्रोग्राम के डबल क्लिक करना है जिससे ये रन हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम जैसे ही रन होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको इससे मैं इधर साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से जो आपने डाउनलोड किया ऐप अपने स्मार्टफोन में, उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, उस पे के बाद आपने यहाँ से ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कंटिन्यू का। ठीक है, जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन वाली ऐप को प्ले करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन हमेशा आपको आएगा, जिससे आपने कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपका जो है नेटवर्क, यानी कि जो है रिसीवर नेम है वो ये है आपके, जिस आप जीमेल आईडी से आप अपने मोबाइल में साइन इन होंगे अपने गूगल सर्विसेज के लिए यूज करने के लिए, वही नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे रख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आईपी दी जाएगी आपको, जिस जो कि आपने यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं नो कम्पेटेबल रिसीवर फाउंड। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हमने आईपी नहीं दी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ से आईपी देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपली कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट, जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपने ये माइंड में रखना है कि ये जो आईपी है आपको यहाँ पे साइन किया गया है, वही आईपी आपने यहाँ पे भी देना है। उसके बाद आपको करना है कुछ सेकंड्स का वेट। ठीक है, अब आप जैसे ही यहाँ पे दोस्तों कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेंगे तो आपका ये जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा और आपका जो है स्मार्टफोन में आपका कंप्यूटर या जो पीसी है वो मिरर हो जाएगा, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन से उसे कनेक्ट कर पाएंगे, यानी कि कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक्टिवेशन रिमाइंडर का अगर मिले तो उसे आप रिमाइंड भी लेटर कर दीजिए, यानी कि आप एक्टिवेशन ना की दिए तो भी बेटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है इस तरह का कुछ प्ले का बटन आ जाएगा। ठीक है, प्ले का बटन आपने इसे नीचे, आपने यहाँ पे तकरीबन 5-6 सेकंड का वेट करना है। ठीक है, आप 5-6 सेकंड का वेट करने के बाद आप पे इसे प्ले कर देना है, यानी कि आप इस पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे स्मार्टफोन में जो कि मैंने मिरर किया हुआ है, यहाँ पे मेरा जो है ये, यानी कि मेरा कंप्यूटर जो है वो मिरर हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ जो चीज़ मैं यहाँ से चाहूँ। अगर अब आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे फोकस है, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है। अब अपने मैं स्मार्टफोन से विंडोज़ को यहाँ से जैसे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जो भी मैं करता हूँ आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं मेरे, इन्हें भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये प्ले स्टोर ओपन किया है यहाँ से, ठीक है, अब मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, मोबाइल से मैंने ओपन किया है, उसके बाद यहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं, इन्हें मैं ओपन कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कैमटीशिया है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो एक्चुअली यहाँ पे जो है आइकन बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे जो नज़र आ रहे हैं,
तो इसलिए थोड़ा एक दो टच में नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ ओपन थी। इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने पीसी को, और जो भी आप चाहें यहाँ से इससे वर्क ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और साथ ही लाल बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा दीजिएगा बेल के आइकन को, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।